all of you. Nice to see all of you here. And I know you are here to learn the factorization method of the quadratic equation. And for that, you have to wait for Sir Roy. And don't forget me, I am Louis. And at the end of today's session, I am going to ask you one question related to today's topic. Okay, I think Sir Roy sir is here. Let's start the lecture without any delay. Okay, all my dear students, today we are going to clear the concept of factorization of quadratic equation, जिसे हम splitting the middle term के नाम से भी जानते हैं। बहुत सारे बच्चों को doubt होता है कि जो middle number को split करते हैं, उसका दो number आता कैसे और आता है तो उसके symbols को कैसे properly use करते हैं। Now आज मैं आपको इस video के जरिए वो doubt पूरी तरह से clear करा दूँगा और इसे हम clear करेंगे एक story के जरिए। तो देखते हैं कैसी story है। यहाँ पे तीन भाई होते, three brothers, और वो तीनों भाई को मैंने कुछ इस तरह के एक एक टर्म दे दिए, जैसे एक्स स्क्वायर जो है वो फर्स्ट ब्रदर है, ओके। नाउ आपको पता चल रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और जो सेकंड टर्म है जो 15x है, ये है वो सेकंड ब्रदर, ओके। एंड जो लास्ट टर्म आपको दिख रहा है दैट इज 54, दैट इज द थर्ड ब्रदर। और ये तीनों भाई जो है अपनी लाइफ बहुत ही अच्छे से जी रहे थे, बहुत ही हैप्पीली अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे थे। बट अचानक क्या होता है ना, जो फादर होता है दैट इज फैक्टराइजेशन, वो इन तीनों के पास आता है एंड आके इन तीनों को बोलता है कि अगर तुमको अपनी लाइफ अच्छी बनानी है तो पहले फाइंड करो कि तुम्हारा रूट क्या है, तुम्हारा जड़ क्या है। अब ये जो तीनों भाई है जो अब तक अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी रहे थे, अब ये तीनों जो ब्रदर है आपस में डिस्कस करने लगते हैं कि क्या है हमारा रूट। और आ जाता है ये तीनों को टेंशन, तीनों आपस में सोचते रहते कि क्या कर सकते। एंड ये सोच में तीनों भाई जब डूब जाते कि क्या हम लोग को अपना रूट मिलेगा, तो अचानक जो बड़ा वाला ब्रदर होता है, जो फर्स्ट ब्रदर जो काफ़ी इंटेलिजेंट होता है, उसको एक आइडिया आता है कि इसे हम सॉल्व कर सकते। और जैसे ही बड़ा भाई ये खबर बाकी दोनों भाई से डिस्कस करते हैं तो सभी खुश हो जाते। बट काम यहाँ खत्म नहीं होता है, काम यहाँ पे तीनों को डिवाइड करके करना है। मतलब अगर रूट ढूंढना है तो कोई एक भाई नहीं ढूंढ सकता, तीनों को काम को आपस में डिवाइड करना पड़ेगा। तो जो बड़ा भाई होता है वो क्या करता है, अपने थर्ड ब्रदर को बुलाता है। थर्ड ब्रदर को बोलता है कि यहाँ पे सबसे पहला काम जो हमें करना है वो ये है कि हमेशा याद रखना है कि मेरा जो कोएफिशिएंट होगा वो मैं थर्ड भाई को दे दूंगा मल्टीप्लाई करके। देखो यहाँ पे जो हमारा एग्जांपल है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है, कोएफिशिएंट जब एक्स स्क्वायर के बाजू में कुछ नहीं है इसका मतलब कोएफिशिएंट है 1, तो वो अपना नंबर जो 1 है वो थर्ड भाई से मल्टीप्लाई करेगा, मीन्स किससे करेगा, 54 से। और आप सभी बहुत ही इंटेलिजेंट है क्योंकि आपको पता है 1 अगर 54 से मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर भी 54 ही आएगा। नाउ जैसे कि बड़े भाई ने आइडिया लगाया था कि किस तरह काम करना है, तो बड़ा भाई का काम सिर्फ इतना ही होता है, वो बाकी का काम अपने थर्ड भाई को आइडिया बता के अपने आप को रेस्ट के तरफ लेके चले जाता है, मीन्स वो आराम करने निकल जाता है। नाउ यहाँ पे जो थर्ड ब्रदर होता है, जैसे ही उसको आइडिया दे के जाता है बड़ा भाई, वो थोड़ा गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसका काम जो होता है थोड़ा डिफिकल्ट होता है। उसे करना क्या होता है, उसे इस 54 जो नंबर आया है इसकी मदद से दो छोटे नंबर ढूंढने होते हैं जो अगर आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका जो आंसर आना चाहिए वो तो 54 ही आना चाहिए जो बड़े भाई ने नंबर दिया है। बट बात यह है कि अगर वही दो नंबर को वो प्लस करे या माइनस करे, जो मर्जी वो कर सकता है, लेकिन उसे करने के बाद वहां पे आंसर 15 आना चाहिए, या तो प्लस करके 15 आ जाए या तो माइनस करके 15 आ जाए, लेकिन आना चाहिए इस एग्जांपल के हिसाब से, ओके। सो आपको सारे काम समझ गए, बड़े भाई का काम था कि थर्ड भाई को नंबर दे दे मल्टीप्लाई करके, एंड जो थर्ड ब्रदर है उसका काम है कि दो ऐसे नंबर ढूंढना है जिसे वो
मल्टीप्लाई करें तो वो जो नंबर आए वो 54 आए जो बड़े भाई ने दिया है, और उसे आपस में प्लस या माइनस करें तो 15 आए। अचानक बहुत सोचने के बाद लास्ट वाला भाई जो थर्ड ब्रदर है उसे भी फाइनली एक आइडिया मिल ही जाता है। उसे अपने डैडी की याद आती है फैक्टराइजेशन की, तो उसे क्लिक हो जाता है कि मैं अगर इस सम में फैक्टराइजेशन यूज करूं, मीन्स इसके फैक्टर ढूंढूं, तो मुझे शायद ये आंसर मिल जाएंगे। तो वो चल पड़ता है आगे की काम करने के लिए और फैक्टर ढूंढने। जैसे कि आपको पता है 54 का फैक्टर करने के लिए 27 टू 54 है ना, 9 3 27, देन 3 3 9 एंड 3 1 3। नाउ यहाँ पे फैक्टर तो कर दिया, फैक्टराइजेशन हो चुका है, बट अभी दो नंबर भी ढूंढने, जिसे प्लस किया तो क्या आना चाहिए 15 या माइनस किया तो 15 आना चाहिए। तो यहाँ पे वो देखता है कि 2 3 6 होता है, 3 3 9 होता है। ऑब्वियस सी बात है 6 इंटू 9 तो 54 हो जाएगा, एंड 6 प्लस अगर 5 करेगा तो उसे 15 भी मिल जाएगा। आप इसे करके देख लो, मैंने उसे हाईलाइट करके भी बताया कि 6 प्लस 9 जो है वो 15 उसे इजीली मिल जाएगा। नाउ यहाँ पे जो थर्ड ब्रदर होता है ना वो काफी खुश हो जाता है, क्योंकि उसने फाइनली अपना काम तो कर लिया कि उसने वो दो नंबर ढूंढ लिया 6 एंड 9। अब वो ये दो नंबर अपने सेकेंड नंबर ब्रदर को जो दूसरा भाई था उसके पास सौंप देता है और खुद चले जाता है रेस्ट करने। अभी जो सेकेंड नंबर ब्रदर है उसके पास दोनों नंबर तो आ गए होते, लेकिन उसका काम जो होता है थोड़ा ट्रिकी होता है, क्योंकि उस दो नंबर के मदद से उसे पूरे सम को सॉल्व भी तो करना है। अब क्या होता है ना, वो बहुत ही इंटेलिजेंट होता है और इसीलिए वो एक आइडिया लगाता है। क्या करता है कि वो डिसाइड कर लेता है कि जो बड़ा भाई है उसके जो नंबर को मैं उसी जगह पे रखूंगा, एंड जो लास्ट भाई है जैसे थर्ड ब्रदर उसका नंबर को सबसे पहले मैं वही जगह पे सिंबल के साथ रख दूंगा। देखो कैसे रखना है, हमेशा याद रखना जो एक्स स्क्वायर है तो उसे पहले एक्स स्क्वायर प्लेस कर दो, उसे कहीं पे कुछ हिलाने की जरूरत नहीं, और जो लास्ट नंबर है 54 सिंबल के साथ उसे भी वो जगह पे प्लेस कर दो। नाउ अगला प्लान क्या होता है, अभी होता है कि जो दो नंबर दिए है उसे एक एक करके प्लेस करना होता है। तो यहाँ पे वो एक और अच्छा आइडिया लगाता है कि हमेशा बड़ा नंबर पहला और छोटा नंबर वो बाद में ही रखेगा। याद रखना बड़ा नंबर पहला और छोटा नंबर बाद में। अब आता है सिंबल के आदेश को, नाउ फाइनली उसे फाइनल टचअप देना होता है या सिंबल वो कैसे लगाएगा, तो वो डिसाइड करता है कि हमेशा जो बड़ा वाला नंबर है उसे मैं अपना खुद का सिंबल दूंगा। जैसे कि इस एग्जांपल में माइनस है तो वो उसे क्या देगा, माइनस का सिंबल। नाउ अगला सिंबल क्या देगा, ये उसे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगला सिंबल वो देगा डिपेंड करेगा कि अगर वो प्लस दिया तो क्या होगा और माइनस दिया क्या होगा। तो देखते एक बार, यहाँ पे माइनस 9 प्लस 6 तो 3 हो जाने वाला है, तो वो तो दे नहीं सकता क्योंकि आंसर उसे क्या चाहिए 15। नाउ यहाँ पे माइनस 9 है तो अगर उधर फिर से माइनस 6 देगा तो माइनस 9 माइनस 6 क्या हो जाएगा, माइनस 15। तो यहाँ पे वो डिसाइड कर लेगा कि ओके मैं यहाँ पे माइनस ही दूंगा तो ही वो माइनस 15 आ पाएगा। यहाँ पे छोटे भाई ने क्या किया, ऑलमोस्ट सम को सॉल्व कर लिया, अब उसे ढूंढना है सिर्फ कॉमन। तो यहाँ पे इजीली दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 9x में x कॉमन निकाला तो x माइनस 9 आया, और यहाँ पे 6 अगर कॉमन निकाला तो फिर से x माइनस 9 आया। याद रखना x माइनस 9 दोनों बार आना चाहिए, नहीं आया तो आपका सम रॉन्ग है। तो यहाँ पे जो दो बार आया उसे वो एक बार लिख देगा, जो एक बार आया उसे भी वो एक बार लिख देगा जो है एक्स माइनस 6। अब अगर आप 8th स्टैंडर्ड तक हो तो आपका सम यहाँ पे सॉल्व हो चुका है, मगर आप 9th या 10th में हो तो आपको यहाँ पे फर्दर भी सॉल्व करना है, वो है एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। नाउ फाइनली आपको पता है एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू 0 है तो एक्स इज इक्वल टू प्लस 9 हो जाएगा, और एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0 है तो एक्स इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। और यहाँ पे मिल जाएगा रूट जो कि या तो 9 हो सकता है या तो वो 6 हो सकता है। और आखिरकार फाइनली तीनों भाई ने मिलके
अपने दिए हुए पिताजी का काम कंप्लीट कर लेते हैं और खुशी खुशी फिर से जीने लगते हैं। ओके, होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड द कांसेप्ट ऑफ फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ टुडेस क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द वर्क ऑफ थर्ड ब्रदर? होप यू विल एबल टू कमेंट द राइट आंसर इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आप सभी का हमारे तहे दिल से धन्यवाद है हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।